लखनऊ कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री बृजेश पाठक की किस्मत का भी आज फैसला होना है। बृजेश पाठक ने भी चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी जीत का दावा किया। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने आज की वोटिंग को लेकर बृजेश पाठक से खास बातचीत की, सुनिए वो क्या दावे कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान है और वीवीआईपी सीट्स की अगर बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ की भी सीट्स इसी में आती हैं और बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से कैंट के उम्मीदवार बृजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने घर पर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर चुके हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है सीधा बृजेश पाठक जी से जानते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह सुबह मंदिर पहुँचे हैं, दर्शन किया है, क्या आशीर्वाद मांगा है आज? आज प्रभु से आशीर्वाद मांगा है कि लोग घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, कमल का बटन दबाएँ और ऐतिहासिक विजय दिलाएं। कैंट का जो चुनाव है वो कितना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल एक जो तस्वीर आई उस तस्वीर ने थोड़ा सा विषय जरूर किया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, रीता दीदी हम लोगों के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के मतलब कार्यकर्ता के रूप में कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे असीम प्यार दिया है और सर्व समाज के लोगों ने घरों से निकल कर मुझे आशीर्वाद दिया। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यहाँ जीतेगी। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लखनऊ कैंट में समाजवादी पार्टी भी मजबूती से लड़ रही है, लगता है कि समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रही है? समाजवादी पार्टी कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है और उनका मतलब उन्होंने गुंडई अराजकता माफिया लफंगई लुच्चई बहु बेटियों की इज्जत आबरू को लूटना प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, लखनऊ के लोग सपा की गुंडई को भूले नहीं है और इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कितने वोट से जीतने जा रहे हैं? अब ये तो मशीन बताएगी लेकिन भारी बहुमत होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।